गाइस वेलकम टू माय चैनल अलकास हेल्थी किचन। आज अलकास हेल्थी किचन में मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ लौकी की सब्जी। जी हाँ, लौकी की सब्जी आपने बहुत बार बनाई होगी और खाई भी होगी, लेकिन मैंने इसे थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में बनाया है और आप इस तरीके से बना करके जब इसे खाएंगे तो ये एकदम से डिफरेंट टेस्ट देगी और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो चलिए, और झटपट से बन के तैयार भी हो जाती है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसे बिना किसी देरी के। लेकिन प्लीज हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑल कर लें जिससे नोटिफिकेशन सारे मिल जाएं आपको। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया है कुकर और लौकी को इस तरीके से मैंने कट कर लिया है छील करके। लौकी को मैंने पहले छील लिया था, थोड़ा सा उसे वॉश कर लिया है, धुलने के बाद इस तरीके से मैंने कट कर लिया है और उसे डायरेक्ट हम लौकी को कुकर में ऐड कर देंगे। कुकर में डालने के बाद इसमें हम डालेंगे चने की दाल, जिसे मैंने 1.5 से 2 घंटे भिगो करके रख दिया था और 2 घंटे बाद इसे मैंने खूब अच्छे से पानी में 3 से 4 बार वॉश कर लिया है। धुलने के बाद मैं इसे लौकी के साथ ऐड कर रही हूँ लौकी में, और अब इसमें मैंने डाल दिया 1.5 गिलास पानी। बस इतना पानी डालना है कि सब्जी हमारी अच्छे से डूब जाए। और पानी डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया 1/2 चम्मच हल्दी और टेस्ट के अनुसार नमक। बाकी इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है और सब्जी को हम कर देंगे मिक्स इस तरीके से। और गैस अब हम कर देंगे ऑन। गैस ऑन करने के बाद ढक्कन हम इसका लगा देंगे। ढक्कन लगाने के बाद 4 से 5 इसमें हम सीटी लगा ले लेंगे। सीटी लगने के बाद मिलते हैं आप। देखिए 4 से 5 सीटी इसमें लग गई है और सब्जी हमारी पक के रेडी हो गई है बहुत अच्छे से। बस इसे हम चम्मच से थोड़ा सा इस तरीके से मैश कर लेंगे, हल्का हल्का इस तरीके से। और अब कुकर को मैं साइड में रख देती हूँ और यहाँ पे रख दिया मैंने कढ़ाई। गैस मैंने ऑन कर लिया और इसमें 3 से 4 चम्मच मैंने डाल दिया रिफाइंड ऑयल। आप सरसों का तेल ना डालें, अगर घी इस्तेमाल करें या तो डायरेक्ट घी का इस्तेमाल करें। और इसमें 1 चम्मच भर के मैंने डाल दिया देसी घी। और ऑयल गर्म होने के बाद मैंने इसमें 1 चम्मच जीरा ऐड कर दिया है। और अब मैं डाल रही हूँ 7 से 8 लहसुन की कलियाँ बारीक कटी हुई। आपके पास पेस्ट हो तो उसे भी ऐड कर सकते हैं, पेस्ट भी डाल सकते हैं। और लहसुन को भुनने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ऑनियन, मीडियम साइज़ की प्याज है ये, बारीक मैंने इसे कट कर लिया है, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है। और प्याज को हल्का भुनने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। और अच्छे से इसे प्याज को सुनहरा होने तक, ब्राउन होने तक भून लेंगे। ये देखिए इतना हमें भूनना है ताकि ये हल्की सी ब्राउन हो जाए। और परफेक्ट हमारी प्याज भून गई है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 मीडियम साइज़ का टमाटर बारीक कटा हुआ। और टमाटर को पकने के बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। थोड़ा सा पानी डाल करके हम इसे भून लेंगे इस तरीके से, थोड़ा ही पानी डाला है मैंने। और बाकी के मसाले अब हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, फ्लेम को धीमी रखें, ज़्यादा हाई फ्लेम ना रखें जब मसाले ऐड करें, वरना मसाले जल जाएंगे आपके। 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर ऐड कर दिया है इसमें। और ये मैंने इसमें डाला है 1/2 चम्मच छोले मसाला। इससे एक अलग लेवल का टेस्ट आएगा सब्जी में। आप चाहें तो इसमें पाव भाजी मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें छोले मसाला डाला है। पाव भाजी का मसाला भी ऐड करेंगे तब भी इसका एक डिफरेंस और टेस्ट आएगा जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और मसालों को भुनने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया जो हमारी सब्जी पकी हुई थी, अच्छे से मैश करके ऐड कर दिया है। डालने के बाद फिर से चमचे से थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे 3 से 4 मिनट अच्छे से हम पकने देंगे ढक कर के। फ्लेम हम कर देंगे एकदम से धीमी धीमी गैस पर। हम इसे 3 से 4 मिनट पकने देंगे और 3 से 4 मिनट हो गए हैं। मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम गरम मसाला और 1/2 नींबू का रस मैंने इसमें डाल दिया है। और अच्छे से मिक्स कर देंगे और 1 मुट्ठी भर के इसमें हम डालेंगे धनिया पत्ती, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ धनिया पत्ती। धनिया पत्ती डाल करके अच्छे से मिक्स कर देंगे फिर से, और 2 से 3 मिनट के लिए फिर से हम सब्जी को पकने देंगे। फ्लेम धीमी रखनी है, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं रखें, वरना तो सब्जी आपकी जल जाएगी। और मैंने इसे इतना ही गाढ़ा रखा है, इससे पतला करेंगे तो ज़्यादा पतली हो जाएगी और ज़्यादा गाढ़ी करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी लगती है। और 3 से 4 मिनट हो गए हैं,
दो से तीन मिनट ही मैंने इसे पकाया है और परफेक्ट हमारी सब्जी पक करके तैयार है और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। मैं इसकी प्लेटिंग कर रही हूँ अब, और अब मैं इसमें एक चम्मच भर के देसी घी ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा धनिया पत्ती और ऑनियन के लच्छों से हम इसे सजा देंगे, डेकोरेट कर देंगे और परफेक्ट हमारी लौकी की सब्जी बनके तैयार है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये सब्जी बनके तैयार हुई है। आप इसे चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, पूरी के साथ खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। आप ज़रूर इस सब्जी को ट्राई करें। तो अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ अलकास हेल्दी किचन में। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय।